जो हमारा इशू है मेनली वो ये है कि लाइक वी आर डिमांडिंग फॉर द स्टाइपेंड हाइक. जो करंटली अभी हमारा स्टाइपेंड है दैट्स ओनली 400 रुपीज अ डे व्हिच आई गेस हाफ देन अ सिंपल अनट्रेन्ड लेबर इज गेटिंग half than that of that and it's very embarrassing for us. Then someone asks for our stipend and we are saying like it's only 12,000 a month which is 400 a day only. So we are protesting here today to raise our concern against it and ask the concerned authorities. We are not pleading, we are demanding for a stipend hike. At least it should be around 1,000 a day which is equal to 30,000 a month. मेरा नाम आदिल है. आई एम एन इंटर्न इन GMC बारामूला. जो आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट का इनकार किया तो इसका एक ही मकसद है, वो है कि जो इंतज़ामिया है उनको हम ये याद दहानी करें कि जो हमको पिछले एक दो साल से हमें एश्योरेंस मिल रही है रिगार्डिंग स्टाइपेंड इंक्रीमेंट, तो एज इन जो मतलब ग्राउंड पे कोई मतलब डेवलपमेंट हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अगर हम आज भी देखें तो हमारी जो ये पे है, हमारी जो स्टाइपेंड है, वो एक अनस्किल्ड अनप्रोफेशनल जो लेबर है उससे भी कम है. तो अब क्या है कि जो हम एक दो साल से हम इस डेवलपमेंट के रिलेटेड हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें जो अथॉरिटीज है सिर्फ हमें एश्योरेंस मिल रही है. हाँ, ये बात है कि जो कन्विंसिंग आंसर्स है, कन्विंसिंग जो जवाब है वो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बस एज इन सुपरफिशियली हमें एश्योर कर रहे हैं कि हाँ आपकी डिमांड जेन्युइन है, हम इसको पूरी करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हमें दिखाई दे रहा है. पहली बात यह. दूसरी बात यह है कि जो कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक कमेटी तश्कील की थी एक साल पहले, तो उसमें उन्होंने प्रिंसिपल GMCs को रखा था. उन्होंने उनको बोला था कि आप देखो कि फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे, अगर हम स्टाइपेंड इंक्रीज करेंगे तो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे. तो इसके रिलेटेड फिर जो ये कमेटी थी उन्होंने रिपोर्ट दी थी. उन्होंने बोला था हाँ ये डिमांड जेन्युइन है, तो इनकी ये जो डिमांड है इसको पूरी की जाए एज सून एज पॉसिबल. अगर हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट से बात करेंगे जैसे एम्स है, जिपमर है, तो वहाँ पे इंटर्नस को मिलता है 30,000 और इस तरह से राजस्थान में मिलता है 25,000 और इसी तरह रिसेंट पास्ट में जो महाराष्ट्र है या हरियाणा है वहाँ पे भी स्टूडेंट्स वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी स्टाइपेंड इंक्रीज़ करो, तो उनकी डिमांड उन्होंने पूरी की और उनकी स्टाइपेंड इंक्रीज़ करेगी. तो आज उनकी वहाँ स्टाइपेंड है 25,000 के अराउंड. तो हम भी कोई नई चीज़ नहीं बोल रहे, हम कोई वैसी वो डिमांड नहीं कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हम उनको बस ये बोल रहे हैं जो कश्मीर में एक मेडिकल ऑफिसर की जो बेसिक पे होती है, जो एक NMC गाइडलाइन भी है कि इंटर्न को आप उतना पे करना है, जो एक मेडिकल ऑफिसर की बेसिक पे होती है उसका हाफ इंटर्न को पे करना है, तो हम बस वही डिमांड करते हैं. वो J&K की बात करें तो यहाँ पे आता है अराउंड 26,000. हम 26,000 पे नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं बस आप हमें 25,000 पर मंथ दे ताकि हमारे जो बुनियादी अखराजात हैं, जो रोज़मर्रा के अखराजात हो, एटलीस्ट वो पूरे हो जाए. डिमांड है गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, मनोज सिन्हा से, वो काइंडली पर्सनली अगर इंटरवीन करते तो हमारी जो जेन्युइन डिमांड.